एक्सरे प्रोड्यूस हो रही, ठीक है, ये कोलिमेशन है जो एक्सरेज को कोलिमेट कर रहा है एक खास एरिया तक, एरिया डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसमें दो कोलिमेशन है, ये पोस्ट कोलिमेशन, ये वाले जो ब्रेड आगे पीछे मूव कर रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये रिमूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। एक होती है प्री कोलिमेशन, वो इसके अंदर होती है, यहाँ पे करके कोलिमेशन को वो कोलिमेट कर रही है रेडिएशन को, उस फिर ये कॉपर फिल्टर होते हैं कुछ स्कैटर रेज को फिल्टर करने के लिए, वो एसीएस पे आ गया। अब इससे कहते हैं कि ये प्रॉपर तो ठीक नहीं हुई, फिर वो फंस गई तो नहीं, वो सॉल्यूशन है, वो जो कॉपर नीचे से इसमें से निकल गया है वो भी ठीक हो जाएगा, वो, ये वाला वो नहीं लगाएंगे, बस अभी पकड़ लगाओ यार, यहाँ से आते हुए बोर्ड टूट गया। कितनी एक्सपोज होगी मैक्सिमम, कितने तक एक्सपोज कर सकते? एक्सपोज करना वो कंट्रोल कंसोल से होता है, इससे नहीं होता जी, इसे काम सिर्फ एरिया डिफाइन करना बस। और वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं बटनों से? यहाँ सेट कर सकते हैं, या ऑटो भी होता है बाहर, इसमें ऑटो है, जो मैनुअल भी ऑटो भी है, ज़्यादातर इसमें ऑटो करते हैं, मतलब बॉडी का जो पार्ट होगा ये उसके मुताबिक, हाँ, उसके मुताबिक करेगा अपने आप, से आपने हैंड सेट किया ना बिल्कुल, तो हैंड के मुताबिक उतना खुल जाएगा, ठीक है, चेक करके चेक करके खुलेगा। इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं और प्री कोलिमेशन होती है, प्री कोलिमेशन, पोस्ट कोलिमेशन, पोस्ट कोलिमेशन, कॉपर फिल्टर, और इसका सॉफ्टवेयर से नहीं पता चलता कि कौन सा एरर अंदर आ रहा है, पता है। तो हमें पता है कि हमें वैसे ही अंदाजा हो एरर है कहां पे, तो हमें वो सीधे वहां पे एक्सेस किया, अदरवाइज वो इसके वो उस वाले कंट्रोल से पता चलता है या जो जो आपने अलग से सॉफ्टवेयर लगाया? हां जी, सर्विस पीसी है, वो लगाएंगे, वो बताएगा एरर क्या है, एरर की डिटेल बताएगा, ठीक है।